ये हमारे यहाँ पर एक पेशेंट आए थे मोहम्मद जुनैद, पिछले 23 जुलाई को फर्स्ट टाइम पर। तो बेसिकली अपना जो ट्रीटमेंट के आए थे ये हाइपरटेंसिव है। आपको कितने टाइम से बीपी की प्रॉब्लम थी? बीपी प्रॉब्लम हो रहा बहुत पहले से, मतलब एक अंदाज़ा बताइए कितने टाइम पहले से थी? 7-8 साल हो गए मेरे। 7-8 साल से? तो 7-8 साल से आप एलोपैथिक दवाई खा रहे थे बीपी की जी। तो आपका नॉर्मली बीपी वगैरह कितना रहता था? मेरा तो नॉर्मल 150-152 ऐसा रहता था। अच्छा 150, हाँ 150 या 150 के लगभग इतने रहता था 140। और आप मेडिसिन क्या लेते थे इसी तब? मैं लेता था टेलवासिटी और एम्लोडेक 0.5। अच्छा ये लेता था। अच्छा इसके बाद भी बीपी मेडिसिन लेने के बाद भी बीपी आपका इतना 150-140 से अबव ही रहता था? जी जी तय जी। जब हमारे यहाँ पर ये फर्स्ट टाइम आए तो यहाँ पर जब क्लिनिक में हमने इनका बीपी चेक करा तो 23 जुलाई को इनका जो बीपी था 140/100 था। उसके बाद हमने इनकी यूनानी मेडिसिन अपनी स्टार्ट करी बीपी के लिए। तो फर्स्ट टाइम में इनको 10 डेज की मेडिसिन दी थी। उसके बाद जब नेक्स्ट विजिट पर आए 2nd of August को तो इनका बीपी 130/96 था। और आज इनकी थर्ड विजिट है, अभी 15 डेज की मेडिसिन लेकर गए थे सेकेंड टाइम पर, और थर्ड विजिट में इनका जो बीपी आया है 120/90 है। यही बीपी अब ठीक महसूस कर रहे हैं जी? बेहतर। अच्छा इस बीच में आपने अपना घर भी बीपी वगैरह चेक कराया कि कितना आपने? मैंने एक बार चेक कराया था, घर पे ही करा था, घर पे ही है। तो उसमें 130 आया था। 140 दवाई खाने के बाद भी मेरा बीपी मतलब 150 के बाद मुझे महसूस होता था कि मेरा बीपी बढ़ा हुआ है। अच्छा मैं कभी चेक करता था तो 150 के बाद ही मुझे 150 तक मुझे सही लगता बीपी जो मेरा बढ़ा हुआ जब भी चेक कराया ना तो इतना ही आया 150-140 ऐसा ही आता था। अब जो है मेरा बीपी आपके सामने 120 है। अच्छा जब से आपसे दवाई ली मैंने अंग्रेजी दवाई खाई है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई आप एलोपैथिक दवाई तो नहीं खा रहे? जब से दवाई ले रहे हैं नहीं, मतलब जिस दिन से आपने फर्स्ट डे से हमने आपकी मेडिसिन स्टार्ट करी आपको मना कर दिया था कि आपको एलोपैथिक खाने की जरूरत नहीं है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि आमतौर पर एक चीज़ ये समझी जाती है कि जो आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयाँ होती हैं इसमें बीपी डायबिटीज जैसे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। लोगों की एक आम धारणा ये है, लोग सोचते हैं कि हमें इसमें जो ट्रीटमेंट होगा वो एलोपैथिक दवाइयों के अंदर ही होगा। लेकिन जैसे हम यहाँ पर अपने हम और भी पेशेंट्स हैं जिनको 10-10 डेज के मेडिसिन के बाद जो है इंप्रूवमेंट आया है यूनानी दवाई से आयुर्वेदिक दवाई से। तो जैसे ये भी पेशेंट अब ये पहले ही बता रहे हैं ऑलरेडी एलोपैथिक दवाइयाँ खा रहे थे, दवाई खाने के बावजूद भी जो इनका बीपी था 140-150 से कम नहीं होता था, और जब इनका 150 से ज़्यादा होता था तो इनको महसूस होता था कि इनका बीपी बढ़ा हुआ है। और ये जब भी चेक कराते थे तो आमतौर पर इनका 150 से ज़्यादा बढ़ा हुआ आता ही था। लेकिन हमने इनकी मेडिसिन स्टार्ट करी क्योंकि ऑलरेडी एलोपैथिक दवाई इन्होंने खाई थी और बहुत टाइम 7-8 साल से खा ही रहे थे। हमने इनको प्योर यूनानी आयुर्वेदिक दवाई दी, किसी तरह इनको डाइट वगैरह बताया किस तरह से चेंजेस करना है क्या करना है, बाद में मेडिसिन दी। तो इनका 10 डेज के इंटरवल पर ही हम जब चेक कर रहे हैं तो 140-100 के बाद 130-96 और आज थर्ड विजिट पर जो है 120/90 बीपी है। और इन्होंने बीच में भी जब भी चेक करा घर पर भी तो इनका 130 या फिर कितना ही बीपी आया, और तब की पहले एलोपैथिक दवाई खाने के बावजूद भी इनका बीपी कम नहीं हो रहा था। और अब इनको मना कर रहा था कोई एलोपैथिक दवाई नहीं खानी, कुछ नहीं खानी, सिर्फ जो हम उनकी मेडिसिन दे रहे हैं यूनानी वाली सिर्फ वो ही खा रहे हैं। तो यही चीज़ है कि अगर आप ट्रीटमेंट सही तरीके से लेंगे और अगर यूनानी और आयुर्वेदिक मेडिसिन भी यूज करेंगे तो इसमें बीपी हो चाहे डायबिटीज़ हो इन सब का ट्रीटमेंट अवेलेबल है और पेशेंट को अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है, आप सेटिस्फाई है ना पूरी तरह से यूनानी मेडिसिन से? ठीक है सर।